लोकसभा चोणां दे मद्देनजर पंजाब पुलिस भी पूरी तरह सख्त हुई पई है अते हर तरीके दे नाल जो चैकिंग है की जा रही है ता जो चोणां है शांतमई तरीके नाल हो सकन। सो दस दिए कि पंजाब पुलिस ने एतवार नूं सरहदी सूबे पंजाब दे दाखल होण या बाहर जाण वाले सारे वाहनां दी चैकिंग करन लई एक विशेष ऑपरेशन ओपीएस सील 6 चलाया है ता जो नशा अते गैर कानूनी शराब तस्करां दी आवाजाई ते नज़र रखी जा सके। डीजीपी पंजाब गौरव यादव के आदेशों से सवेरे 8 तो दोपहर 2 बजे तक ही ऑपरेशन चलाया गया ता जो एक समय सारे बॉर्डर तो आन जाने वाले वाहनों की चैकिंग यकीनी बनाई जा सके। सो दस दिए कि विशेष डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला दसे कि सारे 10 सरहदी जिलों के SSPs गस्टड अफसर SHOs की निगरानी हेठ आप अपने जिलों में मजबूत नाके लगाने के लिए किया गया। उन्होंने अगे यह भी किया कि OPS सील 6 के हिस्से वजो SSPs संवेदनशील थावान पर निजी तौर पर नाकिया दौरा करने के नाल प्रभावशाली नाकाबंदी यकीनी बनाना है। सो यह भी दस दिए कि इस ऑपरेशन दौरान सूबे च आने जाने वाले 5137 वाहनों की चैकिंग की गई जिन्हें 200 के चलान भी हुए तो 22 वाहनों को जब्त किया गया। सो दस दिए कि लोकसभा चोणां बिल्कुल सिर ते ने अते इसे नूं लैके तां जो चोणां सही तरीके दे नाल हो सकण पंजाब पुलिस पूरी तरह के नाल मुस्तैद हुई पई है। हर आने जाने वाले वाहनों की पूरी चंगी तरीके दे नाल चैकिंग है जो की जा रही है ता जो कोई भी अजिही जो घटना है ना वापरे चोणां का जो माहौल है वह खराब ना हो। सो दस दिए कि पंजाब पुलिस है जो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है तो हर आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग है जो कर रही है। सो जेकर थोड़े भी अपने कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो थोड़े पूरे होने चाहिए ने क्योंकि जो चलान है वह भी हो रहे हैं। सो जेकर तुम घर तो बाहर निकलना है तो अपने जो डॉक्यूमेंट पूरे अपने नाल रखो। स्टेट लैवल पे सील 6 नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी के सभी नाके लगाए गए हैं इंटर स्टेट और एक स्टेट और दूसरी स्टेट के आमने सामने नाके लगाए गए हैं। यहाँ पे मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर लगते हैं। इसमें राजस्थान के साथ 6 नाके पड़ते हैं और हरियाणा के साथ 13 नाके पड़ते हैं। टोटल 19 नाके हमने मैन किए हैं। ये मिरर नाकाज हैं, एक तरफ हमारे नाके हैं, दूसरी तरफ हरियाणा और राजस्थान वालों ने नाके लगाए हैं। सुबह से लगभग हमने 250 के करीब मैन पावर इन्वॉल्व करके इंटेंसिव चेकिंग की है, व्हीकल्स की चेकिंग की है, सस्पिशियस पर्सन्स की चेकिंग की है और इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। हमने FIR रजिस्टर की हैं और जो रिकवरीज की हैं उनका जो वेरवा है वो एकत्र किया जा रहा है और इसकी बाद में जानकारी आपको दे दी जाएगी। हाँ, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए और पीसफुल चुनाव इंश्योर करने के लिए ट्रांस बॉर्डर किसी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो इस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के ये सारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते रहे हैं और आने वाले समय भी लगातार हम कोशिशमंद रहेंगे कि किसी किस्म कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी बॉर्डर्स पे ना हो। टोटल 19 नाके लगाए गए हैं। राजस्थान की हद के नाल 6 नाके और हरियाणा की हद के नाल 13 नाके लगाए गए हैं और ये 250 के करीब मैन पावर इन्वॉल्व की गई है। रिकवरी हुई है। और रिकवरी की डिटेल्स थोड़ा दसागे और कभी वर्कआउट किया जा रहा है। अजय ऑपरेशन चल रहा है इस करके फाइनल फिगर जो तो देती जा। पूरी मुस्तैदी वरती जा रही है, हर किस्म के क्रिमिनल एलीमेंट पर नज़र रखी जा रही है और साड़ी एक कोशिश होएगी कि पूरी अमन पूर्वक तरीके नाल इलेक्शंस